दोस्तों नमस्कार। हमारे एक पशुपालक भाई हैं जो लगातार हमारे वीडियो देखते हैं और उनको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद भी आती हैं। उनके सवाल हैं, लेकिन लगातार तीन सवाल हैं और तीनों सवालों का जो जवाब है वह एक ही वीडियो में एक साथ मैं आपको देने वाला हूं और यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इनका सवाल क्या है? इनका बाईपास फैट के रिगार्डिंग सवाल है, यानी कि जो हमारा दूध है उस दूध के अंदर दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है SNF और दूसरा होता है फैट। फैट के अनुसार हमारे जो दूध है उसके अंदर वसा यानी कि फैट की मात्रा कितनी है, तो उसी के लिए मैंने पहले भी पूर्व में भी दो वीडियो या तीन वीडियो बनाई हुई हैं जिसके अंदर अच्छे से मैंने जानकारी दी है कि आप घर पे बाईपास फैट कैसे बना सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन के अंदर वह वीडियो देख सकते हैं। तो इन जो ये भाई साहब हैं यश यादव जी, हमारे रेगुलर ये व्यूवर्स हैं, हमारे जो पशुपालक भाई हैं, इन्होंने सवाल किया है। तो यश यादव जी ने जो पहला सवाल किया है, पहला सवाल है सर प्रेग्नेंट काओ को बाईपास फैट दे सकते हैं क्या? वो क्या है कि मेरा फैट और SNF डेयरी पर कम आता है तो इसके कारण मेरे दूध की प्राइस भी कम मिलती है, तो प्लीज़ रिप्लाई सर। इनके सवाल जो हैं इनके अभी दिमाग में ये आ रहा है कि क्या हम ये प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो सबसे पहली बात तो ये कि यश यादव जी बिल्कुल दे सकते हैं, और उस वक्त तो आपको बाईपास फैट जरूर देना है जब आपका जो पशु है, आपकी चाहे वह गाय है चाहे भैंस है, वह डिलीवरी के उसके 60 से 70 दिन बचे हों, तो 60 दिन से 70 दिन पहले से आप अपने पशु को बाईपास फैट देने लग जाइए। उससे उसकी शरीर की ग्रोथ और बच्चे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। दूसरा ही, जब वह मिल्क के ऊपर आएगा तो उसकी मिल्क की कैपेसिटी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, साथ में ही उसका जो फैट है, फैट कंटेंट बहुत ही अच्छा आएगा। यह आप अपने प्रेग्नेंट पशु को बिल्कुल दे सकते हैं। यश यादव जी, आपका पहला सवाल जो है वह क्लियर हो गया है मैं समझ सकता हूँ। तो हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना तो दिल से एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों, नीचे लाइक का बटन दिया गया है। फिर दूसरा सवाल इन्होंने किया है, दूसरे सवाल में इन्होंने कहा है सर मैं ले आया, यानी कि ये बाईपास फैट ले आए, जो इन्होंने वीडियो देखी थी उस वीडियो को देखने के बाद में ये अपना बाईपास फैट खरीद लाया। मैंने पहले भी पूर्व में भी दो वीडियो या तीन वीडियो बनाई हुई हैं जिसके अंदर अच्छे से मैंने जानकारी दी है, जिसमें मैंने बताया है कि मार्केट में कौन कौन से बाईपास फैट आते हैं, उनमें से बेस्ट बाईपास फैट कौन सा है जो आप अपने पशु को खिला करके अच्छा फैट आप अपने पशु के दूध के अंदर बना सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन के अंदर वह वीडियो देख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि आप बाईपास फैट ले आए हैं, तो मैंने बाईपास फैट आपको बताए हैं कि बेस्ट कंपनी के यानी कि बेहतरीन कंपनियों के बाईपास फैट मार्केट में अवेलेबल हैं, वह आप कौन से ले सकते हैं। यदि आपके पास में वो मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको नहीं भी मिलते हैं तो घबराइए मत, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से अपने लिए बाईपास फैट ऑनलाइन खरीद करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं, तो आप वहां लिंक से परचेज कर लीजिए। सर एक बार इसे सही से देने का तरीका बता दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बाईपास फैट लेके आए हैं ये पूछ रहे हैं उसको देने का तरीका क्या है। तो देखिए यश जी, इसको देने का तरीका बहुत ही साधारण और सिंपल है। आपको पहले से भिगो के नहीं रखना है बाईपास फैट को, आपको क्या करना है, जिस वक्त हम हमारे पशु को दाना बाखर चारा जब देते हैं तो उस टाइम हम चाहे उसको दलिया डालें या जो आपने कंसंट्रेट जो फीड है वो भिगोया हुआ है वह जब डालते हैं, तो जिस वक्त आप उसको पशु को जब वो सानी मिलाते हैं यानी कि टोटल मिक्सर राशन जब करने जाते हैं उसके अंदर मिक्स करने जाते हैं भूसे के अंदर, तो एग्जैक्ट आप उसी टाइम अपने पशु के बॉडी वेट के अनुसार और पशु की दूध की क्षमता के अनुसार जो मैंने मात्रा आपको बताई हुई है पहले के वीडियो में, तो वह आप मात्रा उस बाखर में तुरंत ही मिलाइए और मिला करके अपने पशु को डाल दीजिए। आपका पशु बड़े चाव से इसको खाएगा क्योंकि इसके अंदर फैट की खुशबू आती है और फैट हर पशु को पसंद है, तो इसको बड़े चाव से खाएगा। आप दाना बाखर में अगर मिलाना भूल भी गए हैं
तो जब आप सानी मिला देते हैं, अरे यहाँ पर इसको सानी बोलते हैं, जिसको कई जगह पे उसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जब आप उस दलिए बाकर को मिला चुके हैं तो आप बाद में भी उसको ऊपर से डाल सकते हैं, तब भी आपका पशु खा लेगा। दूसरी वीडियो भी हमारी है, उनकी प्लेलिस्ट हमने लगाई हुई है, ये भी आप वीडियो देखिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि इस डेयरी फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये देखिए डेयरी फार्मिंग का जो लोगो है ना, इस पर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।